कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला। इत्तलात के मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द पुलिस चीफ के दफ्तर में दाखिल हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस चीफ ऑफिस का अमला दफातर में ही महसूर हो गया। पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। इत्तलात के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार और एक रेस्क्यू रजाकार के जख्मी होने की इत्तला है। जख्मी पुलिस एहलकार को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल भेज दिया गया। दूसरी तरफ वजीर अला सिंध ने कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमले का नोटिस लेकर तमाम DIGs को फौरी तौर पर भारी नफरी पुलिस चीफ ऑफिस भेजने की हिदायत की है, जबकि वजीर अला ने वाकई की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इत्तला के मुताबिक कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले की इत्तला पर रेंजर्स QRF ने जय वकुआ पर पहुँच कर एरिया का घेराव कर लिया। रेंजर्स ने पुलिस के हमरा दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर 8 से 10 मुसल्ला दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाई और मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले की इत्तला पर जिना और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि KPO दहशतगर्द हमला अफसोसनाक है।